नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, कल जो देश के प्रधानमंत्री यानी कि उधमपुर का दौरा करने वाले और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और बताना चाहेंगे, वो स्टार कंपेनर हैं जो कि जिस तरह से भाजपा की तरफ से लोकसभा सीट जो उधमपुर, अगर उधमपुर डोडा कठुआ की बात करें या बात करें जम्मू रियासी की, तो उसी के चलते देश के प्रधानमंत्री उधमपुर में आ रहे हैं। और बताना चाहेंगे आपको, कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कंपेनिंग के लिए वो उधमपुर में आने वाले हैं और कल जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जनरल पब्लिक के लिए ये एडवाइजरी एक जारी की गई है जो हेडक्वार्टर सेंट्रल पूल सिक्योरिटी जम्मू की ओर से है कि जो लोग भी इस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस रैली में भागीदारी देना चाहते हैं, उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। कल की अगर बात करें तो जिस तरह से आप जानते हैं, कठुआ में योगी आदित्यनाथ आए थे, सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं और बलडोजर बाबा के नाम से जानने वाले, वहाँ पर कई जो लोगों को दिक्कत थोड़ी आई कि किन लोगों को इस बारे में अवगत नहीं था। जब भी इस तरह की जनसभाएँ या रैलीज होती हैं तो सबसे बड़ी बात है, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काले कपड़े पहनकर नहीं अंदर जाने दिया जाता। तो कल भी ऐसा हुआ कि कल कुछ लोगों ने काले कपड़े पहने होते, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये सारी चीजों का ध्यान अब रखना होगा अगर आप उस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं। बताना चाहेंगे कि एडवाइजरी जो जनरल पब्लिक के लिए जो जारी की गई है कि कहाँ से किस तरह से आपको एंट्री मिलेगी, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या क्या आपको नहीं करना है, कितने समय में आपको पहले उस स्थान पर पहुँचना जहाँ पर ये यानी कि जनसभा को रैली होने जा रही है। बताना चाहेंगे आपको कि ये हेडक्वार्टर सेंटर पूल सिक्योरिटी की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। बताना चाहेंगे आपको, एंट्री फॉर जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने कहा कि बटल बलिया चौक उधमपुर साइड से होगी और किसी साइड से आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। जो भी लोग इस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बटल बलिया चौक उधमपुर से होते हुए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एडवाइजरी में कहा गया कि स्मूथ एंट्री के लिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना, उसकी एंट्री के लिए आपको प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पर पहुँचना। और लगभग ये बताया जा रहा है जिस वेन्यू को सेलेक्ट किया उस वेन्यू में 10 बजे से पहले आपको वहाँ पर एंट्री करनी, यानी उस वेन्यू में पहुँच जाना है। और साथ ही साथ अपने साथ कोई भी आइडेंटिटी कार्ड यानी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या फिर अदर कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, उसे लेकर जाना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब आपकी तलाशी ली जाए, यानी जब आपकी फ्रिस्किंग हो और उस समय आप एक लाइन में हो, तो स्मूथ फ्रिस्किंग के लिए यानी बड़े आराम से आपकी अगर चेकिंग हो या तलाशी हो उस साइड है जो जब आपने एंट्री वेन्यू के अंदर एंट्री करनी है, उससे पहले तलाशी के बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। तो ये कहा जा रहा है वहाँ के जो हमारे अधिकारी होंगे उनके साथ आप कॉपरेशन कीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अपनी गाड़ियों को जो स्लॉट्स हैं जो अनमार्क किए गए हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से, वहाँ पर ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें। और साथ ही साथ खास करके मीडिया कर्मियों के लिए भी यहां पर जो एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जितने भी मीडियाकर्मी अगर उस रैली को कवर करना चाहते हैं या उस रैली में जाएंगे वो कवर करने के लिए, तो जितने भी एक्रीडेटेड मीडिया पर्सन है, ये कहा गया कि उन्हें कवर के लिए अगर जाना है तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एक जगह पर DPL डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में इकट्ठा हो जाए। वहाँ से लगभग 8 बजे का टाइम देगा जितने भी मीडियाकर्मी, उन्हें 8 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर में इकट्ठे होना है और वहाँ से ही आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी वेन्यू के लिए और वहां पर आपको वेन्यू के लिए ले जाया जाएगा। अब आपको ये होगी जो अंदर जाने की पूरी प्रक्रिया बताइए अब क्या क्या नहीं करना, जिसकी वजह से ये ना हो आप दूर दराज से जाएं प्रधानमंत्री जी की रैली को ज्वाइन करने या उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, तो ये ना हो ये सामान लिया हो तो आप बाहर ही रह जाए। क्या नहीं करना आपको, कोई भी कैरी बैग, टिफिन बॉक्स, कोई भी टेबल या वाटर बॉटल तक भी, या कैमरा, वेपन, एम्यूनिशन, शार्प एज वाला कोई भी आर्टिकल, अच्छा जो जिससे कोई आग वगैरह जलती वो इनफ्लेमेबल मटेरियल, सिगरेट, मैच बॉक्स, लाइटर, अम्ब्रेला यानी छाता और ऑब्जेक्शनेबल कोई भी झंडा नहीं लेके जाना है। और साथ ही साथ एनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स कोई भी लेके ना जाए, ये साफ तौर पर वर्जित है। अगर आप लेकर जाते हैं ऐसा कुछ तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा।
साथ ही साथ ये भी कहा कि जो मोबाइल फ़ोन लेकर अगर आप जाएंगे, आप उन मोबाइल फ़ोन पर या तो साइलेंट मोड पर रखेंगे या आपको उन्हें स्विच ऑफ रखेंगे। ये थी एडवाइजरी जो कि आपको जिस जिन लोगों ने भी इस रैली का महा रैली का हिस्सा बनना है, जो कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे और स्टार कंपेनर है भाजपा के और लोकसभा चुनाव में, और उसी के तरह जनता के लिए भी एडवाइजरी और साथ साथ मीडिया कर्मियों के लिए भी है। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि पानी वानी जनाब घर से पीकर जाइएगा। वहाँ पर कल भी योगी आदित्यनाथ जहाँ पर रैली थी वहाँ लोगों को पानी नहीं अंदर ले जाना दिया, गर्मी भी है तो घरों से जब जाने से पहले, एंट्री करने से पहले पानी वगैरह पीकर जाइएगा। वहाँ पर कोई भी बॉटल कोई भी टिफ़िन बॉक्स कोई भी टेबल आपको जाने के ले जाने की अनुमति नहीं होगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, अपने मोबाइल अगर लेकर जाते हैं तो अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ करें। और जनरल पब्लिक के लिए है कि अगर आपने उस वेन्यू में जाना है, उसकी हिस्सेदारी रैली की बनी, तो आपको 10 बजे से पहले पहले उस वेन्यू के अंदर एंट्री करनी, और एंट्री करने का जो आपको बताया गया कि आप अपने पास कोई भी आधार कार्ड, अपना आई कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आपका पैन कार्ड है, चाहे आपकी वो यानी कि इलेक्शन कार्ड है, उन सबको कोई ना कोई उनमें से कोई भी यानी कि अनिवार्य आपको लेकर जाना, अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और उससे बड़ी बात जो यहाँ पर शायद नहीं लिखी है कि काले कपड़े पहनकर कोई भी उस रैली का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि काले कपड़े किसी भी रैली में जाने से वर्जित यानी किया गया, उसे नहीं जाने दिया जाएगा। तो जितनी भी जनता हमें देख रही है, काले कपड़े पहनकर ना जाइए। और जितने भी मीडियाकर्मी, उन्हें 8 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उदयपुर में एकत्रित होना है, ताकि वहाँ से आपको गाड़ियाँ लेकर जाएँ और वेन्यू तक पहुँचा दें। फिलहाल ये अभी तक की खबर थी। कल देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उदयपुर में जो उदयपुर डोडा लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कंपेनिंग के लिए स्टार कंपेनर हैं, वो आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये कल उदयपुर में होने जा रहा है ये कार्यक्रम। तो जो भी लोग इस समय में सुन रहे हैं, 10 बजे से पहले पहले आप यानी कि 10 बजे से पहले पहले आप उस वेन्यू तक पहुँच जाए, ताकि ये ना हो बाद में आपको एंट्री नहीं मिले। अगर बाद में आप आएंगे कहीं लेट हो जाएंगे तो आपको बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और मीडिया कर्मियों के लिए हिदायतें दी है कि 8 बजे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उधमपुर है वहां पर पहुंच जाए, ताकि वहां की गाड़ियां पुलिस की गाड़ियों में आपको वेन्यू तक ले जाया जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि हर कोई पार्टी अब अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि वोटिंग के दिन थोड़े दिन रह गए हैं। 19 को है और बात करें 26 को जम्मू रियासी लोकसभा सीट से, और 19 की अगर बात करें तो वो है उधमपुर डोडा लोकसभा, उधमपुर डोडा और कठुआ लोकसभा सीट के लिए। तो ये देखना है कि अब लगातार जो नेतागण है, सीनियर बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, अब जम्मू की धरती पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखेंगे और अपने अपने नेताओं की, अपने अपने जो पार्टीज पर कंटेस्टेंट्स हैं उनकी कंपेनिंग करेंगे। फिलहाल ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। तो जनता के लिए जो एडवाइजरी थी हमने आप तक ला दी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उदयपुर जा रहे हैं अगर आप, तो 10 बजे से पहले पहले आपको उस वेन्यू में पहुंचना जहां पर ये रैली का आयोजन किया गया, और मीडिया कर्मियों को 8 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन उदयपुर पहुंचना है। और क्या क्या चीज़ें लेकर जाना, क्या क्या नहीं, हमने आपको इस वीडियो में बताया। अपने कमेंट, अपने सुझाव भी दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इच्छुक हैं देश के प्रधानमंत्री के देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उस रैली का हिस्सा बनने के लिए, ताकि आपको परेशानी को बिना ही आप वेन्यू तक पहुंचे और अपने देश के प्रधानमंत्री को सुने। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।